क्या सब ठीक है वहाँ? सब ठीक है, और पता है यहाँ नीचे ज्यादा पैसेंजर्स भी नहीं है, ऊपर भी ऐसा ही है। मौसम की रिपोर्ट सुनी तुम लोगों ने? अब इन चीजों का डर नहीं है मुझे। मौसम का नहीं कि हमें बुसान जाने में देर हो जाएगी। तो तुम आज रात चैन से सोने वाली हो? हाँ, आज मैं तो सोने वाली हूँ चैन से। एहली तुम हमारे साथ आओगी? बहुत मजा आएगा। वाओ, बुसान की रातें, वहाँ की सड़कें, वहाँ के क्लब्स और वहाँ। मैं बिजी रहने वाली हूँ, और अगर तुम लोग की बातें हो गई हो तो मुझे भी अब काम करना है। तुम लोग भी जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये स्पेशल कार्गो है क्या वैसा? ये कुछ लास्ट मिनट टॉप लेवल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर शिपमेंट है। लिखा है कि एक गार्ड भी वहां बंदूक के साथ मौजूद है सिक्योरिटी के लिए। ऐसा क्या है उसमें? ये तो मुझे भी नहीं पता है। हाँ, हमारे पास सिग्नेचर तो है, इसीलिए जो भी है हमें ले जाना ही होगा। यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई परेशानी हुई कार्गो के एरिया को लेकर तो। क्या परेशानी मतलब? तो हमारे साथ डॉक्टर बेनेट और डॉक्टर सेबेस्टियन तो हैं ही, यही डॉक्टर्स कार्गो को ले जा रहे हैं, और ये लोग फर्स्ट क्लास में हैं। परेशानी हुई तो मैं खुश हूँ कि ये मेरी लास्ट फ्लाइट है। हाँ, समझ नहीं रहे? मैं केली को कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझे तुम? अरे अब शांत हो जाओ, तुम बेमतलब तमाशा खड़ा कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा कि केली बहुत जल्दी होश में आ जाएगी, इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। देखो, हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है, पर हमें निकलना था, ये हमारा आखिरी मौका है। जो सही नहीं है। हे, हमने बचाया उसे, अगर हम नहीं होते तो वो मर जाती, जरा समझने की कोशिश करो। अच्छा, तुमने उस आदमी से कांटेक्ट किया? कॉलेज के ने ट्रांसपोर्ट की सारी तैयारी कर ली है, वो हमें भुसान में मिलेगा। भुसान में? मुझे लगा हमारा लैब टोलोन में है। देखो, हमारी फाइल्स ऑलरेडी हैक हो चुकी है। पर हमारे पास उतना समय है ही नहीं। इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जरा सोचो, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। हम लोगों को बचाएंगे, उन्हें वापस ला पाएंगे, इसलिए ये सैक्रिफाइस दिया है हमने। को इस रिस्क के बारे में पहले से पता था। ये ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी वाइफ नीचे नहीं है ना? बोलो, जवाब दो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो बैठो, कम ऑन। देखो, मैं समझ सकता हूँ, सच कह रहा हूँ, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं जानता कि क्या दांव पे लगा है यहाँ पर? मेरी पूरी कंपनी इस प्रोजेक्ट के सक्सेस पर डिपेंडेंट है, और अगर हजार जाने बचाने के लिए एक जान जाती है तो कोई परवाह नहीं, तो तुम्हारी बीवी या वो ब्यूरोक्रेट्स इस प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में रोक नहीं सकते हैं। तो अपना मुंह बंद रखो, और इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। बात समझ में आई डॉक्टर? मैं समझ गया। एक्सक्यूज मी। ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। फिक्र मत करो डॉक्टर धोप, किसी भी हालत में भूसान से बाहर नहीं जा सकते। हेलो मैन। एक्सक्यूज मी मिस, मैं रम और कोक लूंगा। ओह सॉरी ब्रोज, मैं भूल ही गया था, प्लीज दो लेके आना। जी बिल्कुल, और साथ में कोक लेंगे ना? अगर इस ड्रिंक के साथ में थोड़ी बकार्डी मिला दूं तो तुम किसी को बताओगी नहीं ना, प्लीज। ओह, और आप क्या लेंगे मिस्टर? ब्रूस ट्रूमन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं हूँ फ्रैंक, फ्रैंक ली स्ट्रैथमोर, ये नाम काफी ट्रेडिशनल है। मेरी फैमिली तुम्हारे बारे में जान के क्या करेगी फ्रैंक? देखो, मैं इस तरह बंधे हुए नहीं रह सकता, और वैसे भी मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है सच में। आई मीन, क्यों ना तुम और मैं
आधी रात को आईफिल टावर पर मिले तो? I'm sorry, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रैंक एक्चुअली कहीं और बिजी होगा। कोई बात नहीं। ट्रूमैन, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। थैंक यू। ओके ट्रूमैन। ट्रूमैन, लगता है लड़की तुमसे काफी इंप्रेस हो गई है। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस मौके को गवाना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। अपना मुंह बंद रखो, समझ गए? Hey guys. Hey. My God, तुम कितनी अच्छी हो, मैडम यार। Thank you. क्या मुझे कॉफी के साथ चीनी मिल सकती है? आप खुद ले लो। तो क्या आपकी पैकिंग हो गई? हाँ, मेरी पैकिंग तो हो गई है। तो महान पायलट रे जी रिटायर हो रहे हैं, तो आपकी आखिरी फ्लाइट पर वो आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वो घर पे रह के ट्रिप की तैयारियां करना चाहती थी। तो आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? पोते पोतियों के साथ समर वेकेशन पे, और उसके बाद हम अलास्का के लिए निकलेंगे ओशन क्रूज पे। That's so romantic. हाँ, वहाँ पर बच्चे भी तो साथ होंगे। रोमांस करना मुश्किल है। Hey, I'm sure आप enjoy करेंगे। Thank you. लगता है मौसम खराब है। आ, फिक्र मत करो। Thank you. जानते हो, मैं बुसान में शॉपिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कॉर्टनी कह रही थी कि हम पहले मार्केट जा सकते हैं, उसके बाद तुरंत हम लोग घूमने के लिए निकल सकते हैं। हाँ, वैसे मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ सर्फिंग के लिए। सर्फिंग? ओह हाँ, हम सर्फिंग करने वाले हैं। तुम अकेले ही जाना। गुड। तुम और वो साइको जैकी सर्फिंग के लिए अकेले जा सकते हो। वो है टोनी, मेरा दोस्त है। ओके, तुम जानती हो हम यहाँ सर्फिंग करने आए हैं। और हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड कितनी पागल है, ये तो तुम जानते ही हो। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? मुझे वो पसंद नहीं है। Whatever, okay. तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? Hey yo, Tone. हाँ? चलो चल के खेलते हैं। Nice. जरा धीरे, लग गई मुझे। हटो यहाँ से। Thank you. Giant. Whoa, nice throw. Hey. थोड़ी देर मुझे भी खेलने दो, उसके बाद दे दूंगी, ठीक है? Hey. झूठ, वो ऐसे बॉल नहीं ले सकती। बिल्कुल ले सकती है। नाइस टॉस। एक्सक्यूज मी मिस्टर फ्रीमैन, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? क्यों नहीं, वो लास्ट शॉट फाइनल्स के दिन, ओह माय गॉड, अमेजिंग था वो। ओ सच में? ये लो, थैंक यू। थैंक्स मिस्टर, कोई बात नहीं, थैंक यू। ये लोग हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं? तुमने कहा था कि इस ट्रिप पर गोल्फ या उसके रिलेटेड किसी चीज का जिक्र नहीं होगा। ऐसा ही है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बाकी के ट्रिप मैं सिर्फ बिली बनकर रहूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? ये ट्रिप बहुत यादगार रहेगी, प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। ओके। तुम्हारी ये स्माइल। एक्सक्यूज मी मिस्टर फ्रीमैन, कैप्टन रे आपसे मिलना चाहेंगे। जब बाद में उनका ब्रेक होगा तो क्या कुछ देर के लिए वो आपसे मिलने आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, थैंक यू। ओके, यू नो अगर तुम्हारा फ्लर्ट करना हो गया हो मेरे हस्बैंड के साथ, तो मुझे थोड़ा और कॉकटेल चाहिए था। एना, विलियम, मैं वेकेशन पर हूँ। ओके, मैं आपकी ड्रिंक लेकर आती हूँ मिस्टर फ्रीमैन। हाँ, और इसमें इस बार थोड़ा वोडका डालना और किसी और के हाथ से भेजना। hey, इतना भी रूड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देखो, आई एम श्योर वहाँ अभी तक तो कोई होगा जिसने तुम्हारा ऑटोग्राफ नहीं लिया होगा। हाँ तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा और उसे दे दूंगा। तुम्हें इस सब का अंदाजा था जब हमारी शादी हुई थी? हाँ शायद था। हाँ, तुम बस अपने इस बटर को साफ करते रहोगे, इसीलिए ही तो आए हैं हम इस ट्रिप पर। पर कल रात को मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। देखो, तुमने गलत आदमी को पकड़ा है।
हाँ, इसलिए इंटरपोल के पास तुम्हारी फोटोज हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हे, हे, बुरोज, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं गुनहगार नहीं हूं और ये सही नहीं है। तुम मुझे कैदी बनाकर उसकी सजा दिलाने ले जा रहे हो जो क्राइम मैंने किया ही नहीं है। मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं। बिल्कुल, मैं जानता हूं मैं गलत नहीं, मैं कोई गुनहगार नहीं। ऐसा क्या करूं जिससे तुम कन्विंस हो जाओ कि मैं इनोसेंट हूं? जो करना है भगवान करेगा। अगर तुम चुप नहीं रहे तो मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना आता है। मौसम तो खराब है। हम फ्लाई तो कर सकते हैं पर ज्यादा ऊपर नहीं। ये बड़ा स्टॉर्म है। ये 150 माइल्स ईस्ट और वेस्ट में फैला हुआ है, तो हम कोई भी डायरेक्शन लें हम फंसेंगे ही। या तो हम आगे बढ़े या पीछे मुड़ सकते हैं, पर इसके वजह से हम आधा घंटा लेट हो जाएंगे। बुसान का वेदर वैसे भी ठीक नहीं लग रहा है। तो अब हम लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे और फिर बीच में से निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से यही हमारा इकलौता ऑप्शन है। दोस्तों, आगे की राइड थोड़ी बम्पी राइड होने वाली है, तो आप अपनी सीट्स पर ही बने रहें और अपनी सीट बेल्ट्स बांध कर रखिए। 10-15 मिनट में फ्लाइट फिर से नॉर्मल हो जाएगी। मिस्टर मेडिसन, हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों ने मेडकॉन लैब के हेडक्वार्टर को जब्त कर लिया है। कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, पर हमें तलाश है उन 4 मेन लोगों की जिसका हम पता नहीं लगा पाए हैं। पहले है डॉक्टर लियो बेनेट, वो हेड रिसर्च साइंटिस्ट और मेडकॉन के फाउंडर है, जिन्होंने रेट्रोवायरसेस और सिंथेटिक बायोलॉजी में कामयाबी हासिल की है। 2 साल पहले इलीगल क्लोनिंग रिसर्च के लिए उन्हें इन्वेस्टिगेट किया गया था। अनफॉर्चुनेटली उस इन्वेस्टिगेशन का कोई नतीजा निकल नहीं पाया। अब तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे प्रेसिडेंट को परेशानी हो। देखिए, हम बेनेट की हार्ड ड्राइव को रिट्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये सीरियस मैटर है। हमारा मानना है कि लियो बेनेट के ही कारण मलेरिया वायरस के एक नए स्ट्रेन का डेवलपमेंट हुआ है। इतना ही नहीं, डॉक्टर कैलीट्रॉप को कहीं सीक्रेटली भेजा जा रहा है। मलेरिया, शुरू में हमें लगा कि ये मलेरिया है, हालांकि हमें कुछ और भी मिला, कुछ तो अलग था। बेनेट ने एक मस्कीटो से डीएनए सैंपल लिया है, वो भी दूसरे शहर के किसी इलाके से, जिससे उसे 100% मोर्टालिटी रेट कुछ सेकंड से मिल सकते हैं, और फिर उससे एक दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकता है कुछ सेकंड के लिए, जो डिपेंड करता है उस मेन ऑर्गेनिज्म पे। बेनेट ने जो डेवलप किया है वो उसी मॉस्किटो के वायरस का म्यूटेशन है जो बॉडी के ऑर्गन्स को लंबे समय तक चलता रख सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये वायरस ऑर्गन्स को मारकर फिर से उनमें जान डाल देता है? सिर्फ ऑर्गन ही नहीं,
साफ शब्दों में कहे तो वो ह्यूमन बॉडी को मौत के बाद फिर से जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या बकवास है, मैं प्रेसिडेंट के साथ ये बात करूंगा। हमारे खुलासे के अनुसार वो इसमें कामयाब रहा है। हो गया, हम इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और कार्गो एरिया में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। दिस इज कॉनकॉर्ड 239 टू बेस। दिस इज कॉनकॉर्ड 239 टू बेस। कमाल है, रेडियो काम ही नहीं कर रहा है और ये हालत एक घंटे तक रहेगी। परफेक्ट। तुम मुझ पर गोली क्यों चला रहे हो? मैं बीमार हूँ, मेरी कोई हेल्प करो, हेल्प करो। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं कौन लैब्स के साथ? डॉक्टर बेनेट कहाँ पर है? मेरी किसी से बात करवाओ, मैं बाहर आ रही हूँ, शूट मत करना। बाहर आओ, शूट नहीं करूंगा। मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। ओके। हे, क्या तुम मेरे लिए डाइट कोक लेकर आओगे? क्यों नहीं बेबी। थैंक्स बेबी। कितनी खूबसूरत है ये। ये लड़की तो बवाल है यार। वाओ, टूनी तुम्हारी चॉइस को तो मानना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। आओ, लग गई मुझे।
ओह हाय बेबी। बेचारा। तो क्या किसी खूबसूरत लड़की को चेकआउट करना पाप है? इडियट हो तुम। थैंक यू। व्हाट? यहाँ। क्या हुआ? बात क्या है? एक्चुअली आई मीन अगर कोई हमें देख लेगा तो? क्या बोल रही हो तुम? हम बाथरूम में हैं, हमें यहाँ पर कौन देखेगा? मैं समझ रहा हूँ ना, तुम पीटर के बेस्ट फ्रेंड हो। तो क्या सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। I'm sorry. नहीं, it's okay. वो मेरा ध्यान नहीं था। सर, आपको अपनी सीट पे जाना चाहिए क्योंकि टर्बुलेंस बहुत है। हाँ, थैंक यू। क्या आप एक और कॉफी लेंगे? हाँ, शुक्रिया। You're welcome. मेगन, वेगन से राइम होता है। मैं वेगन था। अच्छा? एक दो दिनों के लिए। मेगन वेगन। It's actually मेगन। मेगन। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? सर, आपको अपनी सीट पर जाना चाहिए। ओके, हाँ हाँ हाँ, तुम बस थोड़ा अपना ख्याल रखो, कुछ लोगों की नजर है तुम पर और यहाँ कुछ अजीब लोग भी हैं, कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए इस फ्लाइट पे। अच्छा सर, आपको अपनी सीट पे जाना चाहिए। हाँ जी, ध्यान रखना। जी सकता है इस छोटे से झटके से मेरा ध्यान तुम्हारे घटिया और सस्ते सूट से हटे। तो क्या तुम्हें बेटर फील होता अगर मैं ऑरेंज जंपसूट में होता, जो अब जिंदगी भर तुम्हें पहनना होगा? फिर से वो बोरिंग बातें शुरू हो गई, जब मैं फॉर अ चेंज फैशन की बात कर रहा हूँ और तुम मेरा मूड स्पॉइल करने पर तुले हो। हालांकि तुम्हारा शर्ट अच्छा है, क्या यह मेंस वेयर में आता है? और तुम्हारी जानकारी के लिए भूसान के जंपसूट कुछ बरगंडी रंग के होते हैं। हाँ, तुम उस कलर में काफी अच्छे लगोगे। अब मुझे तुम्हारा कलर चॉइस पता चल गया है तो तुम्हारे लिए वैसे ही जंपसूट बनाऊंगा। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्या? अरे क्या हो रहा है?
अब सब ठीक है ना? पूछ के देखो ना। रैंडी बोल रहा हूँ। It's Stacy. मुझे लगता है कुछ पैसेंजर्स को चोट लगी है। बहुत लगी है? मुझे नहीं पता, सब कुछ मेस्ड अप है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बस दो मिनट। लगता है कुछ मिनट के लिए तो हम मैनेज कर सकते हैं। उनसे कहो कि जाकर चेक करें और बताए कि सिचुएशन क्या है। हेलो दोस्तों, हम माफी चाहते हैं कि आपको हेवी टर्बुलेंस से गुजरना पड़ा। कुछ समय के लिए सिचुएशन कंट्रोल में है, पर हम अभी अनस्टेबल हवाओं के बीच सफर कर रहे हैं। तो प्रिकॉशन के लिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ समय के लिए अपने सीट्स पर ही बने रहें, और फिलहाल मैं अपने फ्लाइट अटेंडेंट्स को आपकी मदद के लिए आगे बढ़ने को कहूँगा। थैंक यू। क्या तुम एक बार देख के आओगे कि सब ठीक ठाक है? उसके बाद कोई भी एक डॉक्टर बेनेट या सेबेस्टियन किसी के साथ जाकर कार्गो चेक करना। कार्गो? अपने टूल्स ले लेता हूँ। लगी तो नहीं? इसके सर पर लगी है। लगता है टोनी को चोट लग गई। आप ठीक है? हाँ। आपको चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो टोनी? तुम्हें लगी तो नहीं? ये बैग मेरे सिर पर गिर गया यार। यार कितना मजा आ रहा था उस टर्बुलेंस के बीच, है ना? तुम्हें लगी नहीं ना? कितना नखरा करते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें डर लग रहा है प्लेन क्रैश हो जाएगा? जाओ अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। ओह गॉड, इस साइको को कोई चुप कराओ। अपना मुंह बंद रखो। पागल हो गई हो क्या? हे व्हाट व्हाट, तुम पागल हो? और तुम एक बेशरम लड़की, और तुम मुझे पागल कह रही हो? अभी कभी सिखाती हूं। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? पागल कहीं? शांत हो जाओ तुम लोग, अपनी सीट पर जाओ और तुम भी बैठ जाओ। ओके, बैठ जाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी वार्निंग लाइट्स मिली है जो आम तौर पर नहीं मिलती हमें इस मौसम में भी। परेशानी की कोई बात नहीं है, पर हमें चलकर देखना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, तुम दोनों इनके साथ जाओ। हम दोनों? ठीक है, जो भी आ रहा है मुझे उस एग्जिट डोर पे मिले। वहां नीचे पहुंचने में एक ही मिनट लगता है और वही एक रास्ता है। हद हो गई, मैंने कहा था तुम दोनों। अरे शांत हो जाओ, जाकर पैसेंजर्स को चेक करो। वहां पर गड़बड़ हुई है, केली मर चुकी होगी। हाँ, तुम उस पर नजर बनाए रखना, ध्यान रखना कि वो कोई बेवकूफी ना करे। आप दोनों ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, पर क्या हम बिजनेस क्लास में शिफ्ट हो सकते हैं? आई मीन प्लेन तो ऑलमोस्ट खाली है ना? ये मजाक कर रहा है, हम ठीक है, थैंक यू। हे, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तुम्हें चाहती है, तुम भी एक कदम बढ़ाओ। जाओ यार, जाओ। I'm sorry, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। No problem. हम सब संभाल लेंगे। ये डेंजरस हो सकता है। हाँ, अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो। Come on, Buruz. मुझे अब अकेला छोड़ दो। क्या? मुझे बाथरूम जाना है। नहीं, तुमने अनाउंसमेंट सुना ना, चुपचाप कंट्रोल करो। फाइन। देखो, मैं ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। तुम 5 साल के बच्चे हो क्या? कम ऑन, चलो। ध्यान से, धीरे से जाना। ऑफ कोर्स। बुरोज, बुरोज,
मिस्टर बरोस, ट्रूमन, ओह माय गॉड। ठीक है जेंटलमैन, आगे देखते हैं। ओह माय गॉड, ट्रूमन, ट्रूमन। क्या? चकमा दे के निकल गया। फ्लाइट डेक। कैप्टन, मेगन बोल रही हूँ डोर 4L से। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हुई? मिस्टर बोरोस, वो ऑफिसर जो कैदी को लेके आए थे, उनको चोट लग गई है और उनका कैदी भाग गया है। Excuse me. आप लोगों ने किसी फनी पतले से आदमी को देखा क्या? ब्लू स्वेटशर्ट टर्टल नेक पहना था उसने। नहीं? नहीं? ठीक है। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है। फ्रे, डॉक्टर थॉट, केविन, फ्रे अपने जंपसीट पर नहीं है। हमें यहां से निकलना होगा अभी। कम ऑन, चलो, हमें दरवाजे सील करने होंगे। कम ऑन। क्या हुआ लेकिन? Oh God! No! No! टॉनी, टॉनी, हे, ऐसे मत डराया करो मुझे, समझे? तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती हो। मुझे लग रहा है। हा?
और तुम इस तरह बात नहीं कर सकते मुझसे। वहां चलते हैं। एक मिनट। हाँ। क्या चल रहा है? तुम दोनों को अपनी सीट्स पर बैठना चाहिए, सीट बेल्ट्स बांध के। इतनी देर में तो मैं अपने लिए एक सैंडविच बना लेता। क्या किया तुमने? बताओ क्यों किया ऐसा? क्या लाए हो फ्लाइट पर? कुछ बताओ भी ना। रे दरवाजा खोलो। क्या हुआ है रेडी? रे प्लेन को नीचे ले आओ, प्लेन को नीचे ले आओ, प्लेन को लैंड करो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। ओह नो। रे मुझे बताओ रे, वहां क्या हुआ? वो लोग वो तीनों साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ बाहर निकाला है। क्या निकाला है उन लोगों ने? वो डॉक्टर्स कहाँ हैं? मर चुके हैं। और राइट, वो मर चुके हैं। मेरी तरफ देखो, सब मारे जाएंगे, डॉक्टर्स मर गए हैं। बैठ जाओ और थोड़ा शांत रहो। मैंने कहा बैठो, बैठ जाओ, बैठो। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो रे। अगर प्लेन को नहीं लैंड करोगे अभी तो शांत हो जाओ तुम। मैं, एमिली, इस प्लेन के सभी लोग मारे जाएंगे। बिना वार्निंग और प्रॉपर लैंडिंग स्पेस के हम लैंड नहीं कर सकते हैं, समझो? वहाँ ज़ॉम्बीज हैं। मुझ पे यकीन करो, वो इंसान नहीं है और वो इस प्लेन के सभी लोगों को मार डालेंगे अगर हमने लैंड नहीं किया। तो समझो बात को, आई डोंट केयर, तुम कुछ भी करो, जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढने की कोशिश करो, प्लेन को लैंड कर दो, जो रास्ता दिखे वही लैंड कर दो। इस तूफान ने हमारे सिचुएशन को खराब कर दी है, ठीक होने दो फिर हम आगे जाएंगे। एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी फ्लाइट पर है, पता करो कि वो पैसेंजर कौन है और उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है, अरे श्योर वही आदमी है? कहना है कि जिसने भी इसे मारा वो इंसान नहीं था। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो सबको, उन्होंने डॉक्टर्स को चीर डाला और उन्हें खा रहे थे। तुमने कहा फ्लाइट पर एक कैदी भी था, क्या तुमने उसे वहां नीचे देखा? नहीं, मैंने कहा ना, वो दो लोग थे और वो लोग इंसान नहीं थे। You know what? मैं पता करने जा रहा हूँ कि उन कंटेनर्स में क्या था। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं पता करके ही रहूंगा उस बेनेट से, उसे सब पता है। बैठ जाओ तुम। मैं जाकर पूछता हूँ और आपको खबर करता हूँ। सब ठीक है ना? Yeah, I'm fine. Okay. वो कहीं दिखा तुम्हें? No. चोट कैसी है अब? अब बेटर है। कम ऑन, कब तक छुपा रहेगा वो? एक बार टर्बुलेंस सेटल हो जाए मैं उसे ढूंढ लूंगी। अकेले मत जाना। क्यों? वो डेंजरस है। वैसे उसके पास पहले कभी कोई हथियार नहीं मिला, पर वो एक कॉन आर्टिस्ट है। क्या किया उसने, बता सकते हो?
झूठा अकाउंटेंट बनकर उसने 35 मिलियन डॉलर्स रशियन जनता से लूटा, एक जेट को क्रैश लैंड करवाया और तब हम उसे पकड़ पाए। उसकी तलाश सबको है। वाओ, उसे भूसा ले जा रहे हो? क्या तुम ठीक हो? ओके, अपनी सीट पे जाइए। ओके, संभाल के। ठीक है। हे इधर देखो, एक बार मैंने कॉन्कर 239 को ढूंढ लिया है। ओके ओके, एक घंटे से कोई भी उन तक नहीं पहुंच पाया। एयरलाइन बेस से बोल रहा हूँ, ये येलो नाइफ सेंटर है। मुझे लगता है कि कॉन्कर 239 मेरे स्क्रीन पर है। वो दो बड़े वेदर फ्रंट से गुजर रहे हैं और ट्रांसपोर्टर बता रहा है कि वो अनस्टेबल है। नहीं, कोई रेडियो कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, मैं ट्राई करूंगा। कॉन्कर 239 येलो नाइफ सेंटर, कॉन्कर 239 येलो नाइफ सेंटर। एयरलाइन बेस बोलिए। क्या तुम इसे अभी स्पीकर फोन पे लगाओगे? हाँ, समझ गए। आई रिपीट, 239 से कहो कि एयर स्पेस वापस लौट जाए। पड़ोस की शहर की गवर्नमेंट उन्हें लैंड करने की या उनके स्पेस में फ्लाई करने की परमिशन नहीं दे रही। ये डिसीजन उनके हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट अथॉरिटी से आया हुआ है और ये खबर कॉन्कॉर्ड 239 तक पहुँच जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? क्या आप मुझे बता सकते हैं आप कार्गो होल्ड में क्या ले जा रहे हैं? I'm sorry. हमारा कार्गो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा एक हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है और आपके पास क्लियरेंस नहीं है। मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, मुझे पूरी अथॉरिटी है ये जानने की कि नीचे क्या है। अच्छा, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। आप थोड़े नर्वस लग रहे हैं डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। क्या ये सच है कि आपके दोनों कलीग्स को पायलट के साथ नीचे गए थे क्योंकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस एक रूटीन फ्लाइट इंस्पेक्शन थी। रूटीन? मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि मेरा कार्गो डेंजरस नहीं है, बस थोड़ा पेरिशेबल है और उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए सारे सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही कह चुका हूँ। मैं पॉल जूड हूं, पुलिस। मुझे लगता है कि तुम्हारा कैदी कार्गो होल्ड में है। रेडी? फ्रैंक, बाहर निकलो। डॉक्टर थॉर्प, डॉक्टर सेबेस्टियन। कोई है वहां? देखते हैं, लगता है वो डक्ट से निकल गया है। क्या पता, इतने पतले आदमी से इतना खून तो नहीं निकल सकता। तुम वहां जाओ, मैं यहां जाता हूं, 5 मिनट में मिलेंगे। ठीक है। तुम वहां हो बड़ी,
तुम बाहर आकर मुझसे बात कर लो ना, सब ठीक है, इट्स कूल, हम बात कर सकते हैं। फ्रैंकी, I swear मैं उसकी जान ले लूंगा। ठीक है, मैं ऊपर आ रहा हूं। यस, तुम श्योर हो? यस, थैंक यू लेफ्टिनेंट, हमने बेनेट और उसकी टीम का पता लगा लिया है। ओह थैंक गॉड। पता है फ्रैंक, कभी कभी ये जॉब बहुत बोरिंग लगने लगता है, पर इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है बड़ी, तुमने इसे एक्साइटिंग बना दिया है। कहां गया ये? गॉड, कहां जा रही हो? कहां जा रही हो तुम? टोनी, इस लड़की को गोली लगी है। पता नहीं कौन गोलियां चला रहा है। कैसे चली गोली? वो क्या रहा है यहां पर? क्या हुआ? क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? प्लीज सब अपनी सीट पर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर गोली चली है, कुछ तो हो रहा है जिससे पैसेंजर डर गए हैं। बताओ जाओ, कल लेके जाओ। Thank you.
पर जाने के लिए कहो अब भी। Oh, my God.
सब क्या चल रहा है? मैंने पूछा तुमसे यहाँ पर ये क्या चल रहा है? मैं बताओ जल्दी मुझे। सकता हूँ कि क्या हो रहा है? हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम क्या लाए हो प्लेन में? जल्दी से बताओ। बोलो बोलो मुझे बोलो, जल्दी बोलो। तुम क्या लाए हो प्लेन में? जल्दी बोलो। हमें छुपना होगा, हमें यहाँ से चुपचाप निकलना होगा। चुपचाप चलो यहाँ से, मेरी बात सुनो। गैलरी का फ्लोर 2 फीट ठीक है, वहां सेफ जगह है, वही एक सेफ जगह है। नहीं जा सकता, मेरी पत्नी ऊपर है। ओ नो, हां तो उसे लेके आओ और जल्दी निकलो यहां से। चलो तुम लोग जाओ 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 जाओ। इसे खोलने में मेरी मदद करो। हटो, जल्दी जल्दी खोलो इसे। पर हुआ क्या? शांत रहो। क्या हुआ? चलो चलो चलो, तुम इसके अंदर जाओ। हाँ जल्दी करो। कमाओ चलो। कुछ दिखाई दे रहा है? कोई है वहाँ? ठीक है, चुप रहना। ओके तुम भी चलो। अब चलो चलो, तुम चलो। स्टेसी, तुम ठीक हो? किसी ने काटा है? तुम काटा तो नहीं? देखो हमें लगा, हमें क्या लगा कि तो... मैं सभी पैसेंजर्स को खा रहा हूँ। नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। जो साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, उनकी सोच ऐसी है कि वो सीरम ट्रांसफर वायरस से डील कर रहे हैं। देखिए, ये वायरस कोई फेमस वैक्सीन या क्योर नहीं है, पर इस तरह का वायरस बॉडीली फ्लूइड से ही ट्रांसफर होता है, और फिर सबसे इफेक्टिवली एक इन्फेक्टेड विक्टिम का ब्लड जब कट या थूक से फैलता है तब। मेडकन के साइंटिस्ट को लगता है कि उन्हें सफलता मिलेगी, इसके बावजूद कि साइड इफेक्ट्स खतरनाक हो सकते हैं। इनफैक्ट उन लोगों के लिए साइड इफेक्ट्स बेनिफिट है। डॉक्टर बेनेट के डेस्क पर जो नोट्स मिली है, मैं उसे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो इस वायरस को बायो वेपन की तरह यूज करना चाहते हैं, ताकि जब सैनिक घातक रूप से घायल हो जाए तो उसके बाद वायरस से इफेक्टेड एक दुश्मन को रिहा करके उसे दूसरों के पास भेजकर उन्हें इन्फेक्ट करके उनकी जान ले सकते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है, और प्रेसिडेंट से भी, कि हम फ्लाइट 239 को पॉपुलेटेड एरिया तक पहुंचने से पहले उसे डिस्ट्रॉय कर दे। तो अगर साफ शब्दों में कहें तो तुम चाहते हो कि हमारे फोर्सेस शूट टू किल का ऑर्डर फॉलो करते हुए इस प्लेन को उड़ा दे। उस प्लेन से हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हमें मानना होगा कि कार्गो का सामान टूट चुका है और वायरस वहां बहुत फैल गया है। हमारे पास एक ही उपाय है उसे कंट्रोल करने के लिए, कि हम इस प्लेन को ब्लास्ट कर दे और अफेक्टेड लोगों को मार दे, इससे पहले कि वो वायरस पॉपुलेटेड एरिया तक पहुंचे। आप भी सहमत हैं? पूरी तरह से।
प्रेसिडेंट से बात हो सकती है क्या? क्या तुमने ऐसा? हाँ ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये मैंने नहीं किया, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये लाइफ एक्सटेंड करने का एक्सपेरिमेंट है, मुझे नहीं पता था कि इसके ऐसे साइड इफेक्ट्स होंगे। ओ, तो अपनी आंखें खोलकर आसपास देखो, साइड इफेक्ट ने सबको खा लिया है। देखो, मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम ही थे ना जो शुरुआत में सबको ऑर्डर दे रहे थे, और पुलिस वाले के साथ भी तुम बात कर रहे थे, और तुम्हारे लोग भी नीचे गए थे। तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो मैं नहीं था, कोई और था। अपनी आवाज नीचे रखो। तो तुम बातें करना बंद करो, नहीं तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे। पहुंचने वाले हैं। चलते हैं। दो सीने में और एक टांग पे, ऐसा ही काम करते हैं। रास्ता ब्लॉक्ड है। उसने किया ये, बेवकूफ कहीं था। कहाँ थे तुम
मैं कहा था तुम कहा थे? कहा थे तुम कहा थे? मैं पूरे प्लेन के चक्कर काट रहा था। पीछे देखो, मेरे ओपिनियन में टेल सेक्शन सबसे सेफेस्ट जगह होगी इस सबसे बचने के लिए। ऑफ कोर्स मैं कभी नहीं। ओके जाओ, कुछ और लेकर आओ, कुछ और लेकर आओ। ला रहा हूं, जाओ जल्दी। वो रहा, वो देखो फ्रैंक। रुको रुको रुको, शांत शांत सुनो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। चलो रुक जाओ, रुक जाओ। चलना चाहिए, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। हमें कुछ चाहिए जो हथियार के तौर पर यूज कर सके। यहाँ किसी के पास शार्प चीज है? इन लोगों ने मेरी वो पाने वाली कैंची, मेरी रिवॉल्वर और मैचिंग छुरी सब जब्त कर लिया है। हाँ फ्रैंक, तुम्हें वो लाना चाहिए था तो तुम हमें बचा लेते। और नहीं तो क्या? अब तुम्हारे पास कितनी गोलियां बची हैं? 5 गोली बची है और एक क्लिप। और तुम्हारे पास? आखिरी क्लिप 5 गोली है। ओह नो। हे, मेरे ख्याल से हम इन कमीनों को इस करंट से झटका दे सकते हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर हो सकता था। फ्रैंक, तुम बेवकूफ हो, इस करंट से तो मर क्यों नहीं गए? कहाँ मिला तुम्हें ये? वो ऑक्सिलरी लाइट्स। ऑक्सिलरी लाइट्स कुछ ही सेकंड में आ जाएगी, आई होप। ठीक है फ्रैंक, उन्हें फिक्स करो। हमें हथियार ढूंढना होगा। कॉकपिट से कोई जवाब नहीं मिला। सब एक एक करके मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। मैगन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। सुनो, तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। तुमने वो देखा? क्या था वो? सुनो, वहां ऊपर कोई है। गोली मत चलाना। प्लेन को लैंड करने के लिए हमें कुछ प्लान करना होगा। क्या दोनों में से एक भी पायलट अभी जिंदा है? वो जवाब नहीं दे रहे, दोबारा कोशिश करो। ओके। नहीं उठाया? नहीं नहीं, कैप्टन मर चुके हैं, हम ऑटो पायलट पर हैं। हम लोग ऐसे ही छुपे रहेंगे जब तक वो हमें ढूंढ ना ले, या जब तक फ्यूल खत्म ना हो जाए। एक्चुअली वो ज्यादा प्रेफरेबल है। ओ, नहीं। क्या फ्यूल खत्म होना? हाँ। ए, हमें फ्लाइट डेक जाकर कैप्टन को देखना होगा इससे पहले कि ये लोग हम तक पहुँचे। कॉकपिट पहुँचने के लिए इतनी गोली नहीं है हमारे नीचे पास। के गार्ड के पास हथियार था। हमें वो हथियार चाहिए, वो हमारा लास्ट चांस है। सही कहा। मतलब हथियार के लिए तुम नीचे जाओगे? हमें कैसे पता कि उसमें गोलियां होगी या नहीं? नहीं जानते फ्रैंक।
ये देखकर अच्छा लगा कि ऐसे सिचुएशन में भी तुम मजाक कर लेते हो। क्योंकि हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए था कि मैं हथियार बना सकूं, ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना। क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैंने वादा किया है ना, और वादे तोड़े नहीं जाते। कॉन्टैक्ट में हूं, विजुअल्स 2 मिनट में दिख जाएंगे। बुरोस, इन केस तुम्हें कुछ हो जाए तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी हो जाएगी। ए बेनेट, कुछ भेज रहा हूं। मुझे लगता है आर्मी ने इन्हें भेजा है, लेकिन क्या मतलब? टाइम कम है हमारे पास। वो लोग हमें बचाने आए हैं? वो हमें बचाने नहीं आए, सिर्फ हम लोग ही हैं। अगर उन्हें कोई जिंदा नहीं दिखा तो वो प्लेन को उड़ा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सही कह रहा है ये, हमें उन्हें जवाब नहीं दिया तो वो मिसाइल से प्लेन उड़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे? हम उन्हें जवाब देंगे। एक तरीका है, किसी को कॉकपिट में जाकर उस जेट को जवाब देना होगा। किसी को प्लेन उड़ाना आता है? किसी को भी? बोलो। हाँ। क्या तुम्हें सच में आता है? हाँ, मतलब ऑफिशियली नहीं, पर मुझे बेसिक्स मालूम है कुछ। बेसिक्स? हाँ, काफी समय हो गया है ना। हमें बस रेडियो तक पहुंचना है और जवाब देना होगा। हमें चलना चाहिए फ्रैंक। ठीक है, मैं भी चलूंगा। नहीं 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 बिली, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं रुकोगी, मैं मदद करूंगा। मैं तुमसे जल्द मिलूंगा, जल्दी मिलेंगे। ठीक है, चलो। मैं बहुत बोलता हूं।
39 कंट्रोल में कोई नहीं है, मैं साफ देख सकता हूँ। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मुझे जाने दो बिली। कम ऑन बेबी, हटो साइको बिली। देखो मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, मैं ऐना के साथ आऊंगा। मैंने जाओ। मेरे सिग्नल्स का कोई जवाब नहीं मिला। 239 को शूट करने की परमिशन है। कमांड प्लीज रिपीट, 239 को शूट करने की परमिशन है। रोजर दैट, 239 को शूट करने की परमिशन है। ऐना, मैं यही हूँ। क्या ये तुम हो बैनेट? ओ नहीं, आगे आओ कमीनो, मैं यही चाहता हूं तुम सब आगे आओ, तुम्हारी ये हंसी नरक तक बनी रहे। ये तो मुझे मौत के घाट उतार देगी। जाओ 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 जाओ। ऑटो पायलट कहाँ है? मुझे नहीं पता, तुम मुझे पूछ रहे हो। ये अलग है, ये अलग है, ये बहुत अलग है। चिल्लो मत मुझ पे। मैं चिल्ला नहीं रहा। हम जिंदा हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम जिंदा हैं। अबॉर्ट अबॉर्ट। इनकमिंग ऑब्जेक्ट, इनकमिंग ऑब्जेक्ट। मिसाइल लॉन्च हो गई है। फ्रैंक, हमारे पास कुछ सेकंड ही है। ऑटो पायलट कहां है मुझे नहीं पता। नहीं मालूम। खतरे की संभावना। ये रहा। क्या कर रहे हो तुम? आर यू रेडी? कुछ सिविलियन अभी भी जिंदा है। अबॉर्टिंग, रिपीट में अबॉर्ट कर रहा हूं। बता दो।
तड़प रहा है। हमने कर दिखाया मेरे दोस्त। हाँ, क्या तुम किसी एक्स पुलिसमैन के साथ बाहर चलना चाहोगी? हाँ, एक बार जा चुकी हूँ। ओह अच्छा। हाँ, उसकी बस एक ही बात अच्छी थी कि वो मेरे बैग को खुजा देता था जहाँ मेरे हाथ नहीं पहुँचते। तो तुम्हें अभी खुजली होती है? हर समय।